कमल चतुर्दशी फूलना। ममल माहौल जी ग्रंथ में एक से बढ़कर एक अद्वितीय आनंद अमृत रस का पान कराने वाले फूलनाएं हैं। यहां कमल चतुर्दशी फूलना का प्रसंग है। इस फूलना में गुरुदेव का उपयोग अपने स्वभाव में ढल गया है, इष्ट स्वभाव मय हुआ है। जिन वाणी जिन वचन अभी तक जिनका आवाहन किया जा रहा था, अर्थात आराधन किया जा रहा था, उनका चिंतन मनन धारणा के साथ साधना में लिया जा रहा था, अब बेवचन प्रत्यक्ष हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, स्वरूप में रमण हो रहा है। कमल स्वभाव पूर्ण ज्ञान मात्र प्रकाशमान हो रहा है। अपना सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार चैतन्य देव निज शुद्धात्मा अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव में स्थित है। उसका आश्रय ज्ञान श्रद्धान उसी में लीन होने से सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की सर्व अवस्थाएं प्रकट होती हैं। शुद्धात्म स्वरूप में कोई दोष विकार विषमता और कर्म आदि हैं ही नहीं। जितने भी दोष विभाव आदि विषमताएं आती हैं वे सब पर पर्याय से राग पूर्वक संबंध मानने से आती हैं। शुद्धात्म स्वरूप कर्मादि पर पर्याय के संबंध से सदा निर्लिप्त न्यारा परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। प्रत्येक जीवात्मा स्वभाव से शुद्धात्मा ममल स्वभावी है। उसका जो जीव अवलंबन लेता है श्रद्धान करता है उसे अपने ध्रुव ममल स्वभाव में से शुद्धता प्रकट होती है। तीन काल और तीन लोक में शुद्ध निश्चय नहीं से मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ममल है ममल स्वभावी ध्रुव तत्व हूं। ज्ञानानंद सच्चिदानंद घन चैतन्य चिद्रूप मात्र हूं। ऐसी दृढ़ प्रतीति श्रद्धा अनुभूति ही शुद्ध दृष्टि है। मेरा ऐसा स्वरूप है और संसार के सभी जीव भी परमात्म स्वरूप हैं। द्रव्य दृष्टि से सभी जीव परमात्मा हैं। अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान अनुभव होना और पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध परमाणु रूप है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसा दिखाई देता है। वह जानता है कि अशुद्ध पर्याय रूप जो परिणमन है यह सब असत नाशवान क्षणभंगुर है। अंतर के इस श्रद्धान ज्ञान का नाम है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और द्रव्य दृष्टि के आधार से संभाव पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहना सम्यक चारित्र है। स्व या पर जब किसी द्रव्य किसी गुण और किसी पर्याय में हेर फेर करने की बुद्धि न रहे तभी जानना कि अब सच्ची श्रद्धा
और सच्चा ज्ञान हुआ। तब ज्ञान ज्ञान में ही जम गया, अर्थात मात्र वीतरागी ज्ञाता भाव ही रह गया। ऐसे साधक की अल्पकाल में ही मुक्ति होती है। प्रभु तू स्वयं चिन्मय चिदानंद घन परमात्म स्वरूप है, जिन स्वरूप आत्मा शुद्धात्मा है, वीतराग अकषाय ममल स्वभावी आत्मा है, परम पारिणामिक भाव वाला है। ज्ञानी साधक अंतर में अपने ऐसे महिमामय आत्म स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है, जिससे उसके सारे कर्म क्षय होते और भगवान की वाणी जो अभी तक चिंतन मनन और आराधन में चल रही थी, वह अब प्रत्यक्ष प्रयोग में होती है और अब मनन के विकल्प नहीं है, चिंतन नहीं है, अब जीवन में प्रयोग प्रकट हुआ है। स्वभाव का अनुभवन साक्षात्कार हुआ है अपने ध्रुव स्वभाव से, अपनी कमल स्वभाव से। ऐसे अपने ज्ञायक स्वरूप कमल स्वभाव की महिमा को गुरुदेव ने इस पूर्णा में स्पष्ट किया है, और यह कमल ममल स्वभाव की महिमा को व्यक्त कर रहा है। पूर्णा 137 कमल चतुर्दशी गाथा। जिन अप परम पहे परम पयम, जिन अप परम पहे परम पयम, जय जयम।
ये हुए ने जारी दिन
Oh,
समय का ही
भगम जयम। आत्म साधना के मार्ग में उपयोग के आत्म सन्मुख होने पर और स्वभाव में रमने पर जो आनंद की अनुभूतियां ज्ञानी साधक को होती हैं, उन्हें शब्दों से कहा जाना संभव नहीं है। यह तो श्री गुरु तारण स्वामी की हम सभी भक्त आत्माओं पर अनंत अनंत करुणा थी, जो उन्होंने अपनी साधना के तहत स्वयं का काम बनाया, स्वयं की साधना की और अनुभूति को, साधना के रहस्यों को रेखांकित कर दिया। यह उवन अर्थ सोलही गाथा। यहां गुरुदेव कहते हैं अपना अर्थ स्वभाव, प्रकाशमान स्वभाव उदित हो रहा है, दैदीप्यमान सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा है। सोलही से अभिप्राय यहां सोलह गाथाओं से है। जैसे पिछले क्रम में भी हम इस प्रकार की फूलनाओं के नाम श्रवण कर चुके हैं, ज्ञानाष्टक ज्ञानोपयोग का स्वरूप बताने वाली आठ गाथाएं, मुक्ति पैतालो मुक्ति का बहुमान जगाने वाली 45 गाथाओं का फूलना। इस प्रकार से यहाँ सोलही का अभिप्राय 16 गाथाओं से है। इन गाथाओं में गुरुदेव अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट हुआ है जो पूर्ण प्रकाशमान। इस प्रकार ज्ञानी साधक आध्यात्मिक मार्ग में प्रस्थान करता है, वह निश्चित ही मुक्ति का पात्र बनता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जिनकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, वह त्रिविध योग सहित समस्त कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी जन हमेशा ज्ञान विज्ञानमयी सत्स्वरूप का अवलंबन रखते हैं और आत्म ध्यान में रत रहते हैं, तथा साधु पद से अपने ममल स्वभाव में लीन होकर ब्रह्मानंदमयी मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ज्ञान की महिमा को कहा भी है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों ही आत्मा के गुण हैं। आत्मा का स्वभाव पूर्ण ज्ञानमय है। अपने सत्स्वरूप को जो ज्ञानी जानता है, वह प्रकृति के स्वतंत्र और व्यवस्थित परिणमन का
ज्ञाता होता है, सारे त्रिगुण से परम वीतराग होता है। वह जानता है कि रत्नत्रय स्वरूप यह आत्मा अभेद दृष्टि से एक रूप है, शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, परम निरंजन, निर्विकार, परम ज्ञानमय, परम शांत, परमानंदमयी है। इस तरह बार बार अपने आत्मा को ज्ञानी ध्याता है, तब परिणामों में स्थिरता होने पर स्वयं आत्मानुभव प्रकट होता है। यही मोक्ष मार्ग, आत्मानुभव के साथ उसी समय अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। इसी अमृत रस का पान करते हुए आत्मानुभव में लीन साधु छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर अरिहंत परमात्मा होकर अनंत सुख को भोगने वाला अनंत चतुष्टय का धारी हो जाता है। वहां उनके चारों घातिया कर्म क्षय हो जाते। यह आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, अनंत सुख का धारी परमात्म स्वरूप है। यह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर भी आत्मज्ञ और आत्मदर्शी है। यह ज्ञेय की अपेक्षा सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहलाता है। शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर निरंतर आत्म प्रतीति में वर्तमान है। सर्व कषाय भावों के अभाव से परम वीतराग यथाख्यात चारित्र से विभूषित है। स्वयं के आनंद को स्वयं को देता है, अनंत दान करने वाला है। निरंतर स्वात्मानंद का भोग करना ही अनंत लाभ है। स्वात्मानंद का ही निरंतर भोग है, अपने आत्मा का ही बार बार उपभोग है। गुणों के भीतर परिणमन करते हुए कभी भी खेद नहीं पाता, यही अनंत वीर्य है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्मों से रहित होकर अनंत सुख का समुद्र है, ऐसा अपना पूर्ण ज्ञानमयी परमात्म स्वरूप है। एहु जुअप्पा सो परमप्पा, अहो यह आत्मा है सो ही परमात्मा है। श्री गुरु तारण तरण देव ऐसे अपने पूर्ण अर्थ स्वभाव का, पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव में आनंद ले रहे हैं। सत्स्वरूप की स्वानुभूति प्रकट हुई है और अंतर में ज्ञान की रिद्धि, अनुभव की सिद्धि, पुरुषार्थ, धैर्य, स्वावलंबन, आनंद आदि अनेकों गुण प्रकट हो रहे हैं। उसी बात को यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि हे पुरुषार्थी, धर्मधारी, धैर्यवान, ज्ञानी, अब जिन श्रेणी का आरोहण करो और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर। ऐसे अपने आत्म स्वभाव की साधना से उपलब्ध अंतर में हुई उपलब्धियों का स्वाभिमान बहुमान जागृत करते हुए आत्म स्वरूप में रमणता का आनंद अनुभवन करा रहा है। यह फूलना 138 फूलना गाथा। जय जयो जयो, जय जयो अनंदो, जय जयन साहवे स्वामी मुक्ति दिनंदो, जय 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 जय
जयन सरिद्धि। जय जयो उवन दम समय सुसिद्धि।
रमन दिन दिनय दिनंदो
आनंदवन आनंद सौतो उवन विनंद विलिति संपतो वन दिनंदो
अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये बात तो अभी अपनी समझ से बहुत बाहर है, कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन उनकी वाणी का, उनके अनुभव का हम श्रवण कर रहे हैं, वांचन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को अपने आत्मानुभूति मय करें, आत्म श्रद्धान मय परिवर्तित करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम सबको मंगलमय।